हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं इतने दिन से कहाँ था और मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए। तो गाइस, अभी चलते हैं पहले जिम। सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 7:30 से 8 बज गए, थोड़ा लेट हो गया मैं तो अभी। अब मैंने गाइस एक गुड न्यूज़ है, मैंने अपना पार्टनर चेंज कर लिया, क्योंकि सागर प्रधान जो था वो बहुत बड़ा आलसी इंसान था। मैं ज़्यादा उसकी बुराई या तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उसे पहले जानते हो, एक नंबर का निकम्मा और हरामी आदमी है। तो गाइस, अब शायद आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ वो आपको पहले मैं जिम करने के बाद बताऊं, क्योंकि अभी मैं हो रहा हूँ लेट। तो आज हमारा शायद शोल्डर का वर्कआउट है, तो अभी चलते हैं, गुरुजी हमारा वेट कर रहे हैं और फिर सीधा मिलते हैं जिम में। गाइस, अपना हो चुका है वर्कआउट और आज का वर्कआउट आपने देख लिया होगा, क्योंकि एक तो मैं डेंगू से रिकवरी कर रहा हूँ, उस वजह से थोड़ी बॉडी डाउन हो चुकी है, मसल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और मेरा वेट लॉस भी काफ़ी हो चुका है। सो अभी पहले मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करनी है क्योंकि पापा को कहीं जाना है। और इसलिए गाड़ी टिंटेड नहीं है, मतलब ब्लैक शीशे नहीं है गाड़ी के, तो सिर्फ पापा इसको लेके जाते हैं और किसी को नहीं। मर्सिडीज किसी से भी काले हैं, ऑडी के भी काले हैं और स्कॉर्पियो के भी काले हैं, तो बस ये है गाड़ी जिस किसी से काले नहीं है। तो अब पहले जाके घर जाके पापा को दे दूँ, थोड़ी बहुत गाली सुन लूँ कि इस गाड़ी को क्यों लेके गया था, जब तो ये गाड़ी दे रखी तो उसे क्यों नहीं लेके गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अपना क्या क्या, मैं कहाँ था और कैसे मैंने रिकवरी स्टार्ट करी है, जो भी पूरा सीन है मैं आपको बताऊँगा घर जाके, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो हम जिम से आ गए थे करीबन 10:30-11 बजे के आसपास। उसके बाद घर गया, घर जाके नहाया, पापा को गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी लेके ऑफिस आया हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत दिन से मैं कहाँ था, मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। सो मेरे को हो गया था डेंगू, और मेरा डेंगू जो था मेरे को चला था 8 दिन लगातार, और मेरा बुखार बिल्कुल टूटा नहीं था एक दिन भी। पहले मानस हॉस्पिटल है एक नोएडा में, पहले मैं उसमें एडमिट था, उसमें नहीं हो पाया। फिर मैं गया फोर्टिज़ में, 4-5 दिन एडमिट रहा और उन्होंने दब के बढ़िया तरीके से मजबूती से ली मेरी ठीक। तो मतलब एक हाथ में ड्रिप लगा दी, एक हाथ में से रोज़ दिन में करीबन 4 बार ब्लड टेस्ट हुआ। तो ऐसा करीबन 4-5 दिन लगातार होता रहा, मतलब ये मान के चलो एक हाथ में 50 सुई ठोक दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। रोज़ रोज़ मतलब इतना हो गया था, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, 20,000 प्लेटलेट्स मेरी बची थी, और मतलब ऐसा हो गया था हाँ, अगर अब 3-4 हज़ार प्लेट और भी कम हुई तो ख़त्म मामला। तो मतलब बहुत बुरा हालत हो गए थे। उसके बाद करीबन मतलब 2-1 दिन बाद रिकवरी स्टार्ट हुई, प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो गई। फिर उसके बाद छुट्टी मिल के मैं घर आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, जिम कर नहीं सकता। डॉक्टर ने दो महीने के लिए तो स्ट्रिक्ट मना करा था कि 2 महीने जिम करनी नहीं है, बाहर घूम नहीं सकता, ठीक है, दोस्त घर पे आ नहीं सकते, ना मैं दोस्तों के पास जा सकता, एक बेड से उठ नहीं सकता, मतलब बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा यार अगर बैठे बैठे तो ऐसे बहुत बुरी हालत हो जाएगी, मैंने कहा चल एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे घूमना चालू करा, पहले फार्म हाउस तक गया, फिर थोड़ा बाहर तक गया, गाड़ी चलाना स्टार्ट कर, मैं गाड़ी चलाना भूल जाता बताओ इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा, घर वाले गाली दे रहे तू पागल है, ऐसे मत कर, बाहर मत जा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, अभी इतनी जल्दी क्या है करने की। फिर मैंने कहा छोड़ यार जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने घर आने के दो हफ्ते बाद ही मैंने जिम चला गया। मैं पहले दिन जिम गया, मैं जिम में जाके फेंट हो गया, बेहोश हो गया पूरी तरह, ठीक है। फिर मैंने कहा चल छोड़ कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे बस की नहीं है, घर जाते हैं।
मैं घर आया, मैं सो गया, मैं उठा 8 घंटे बाद बिना कुछ खाए, खाए पे सो गया, उठा 8 घंटे बाद। मैंने कहा आग नहीं जाऊंगा जिम। फिर मैंने कहा, फिर गुरु जी से मैंने बात करी, मैंने क्या करूँ, कैसे रिकवर करूँ उसको। तो गुरु जी ने कहा, तू पहले आ, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, अभी तो बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या पता रिकवर हो जाए जल्दी से जल्द। फिर उन्होंने मेरे को कुछ डाइट वगैरह बताई, तो एक जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी, यह वेजिटेबल जूस होता है उसका, गाजर वगैरह का और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो आजकल ठंड में लोग पीते हैं, ठीक है, उससे हमारा ब्लड काफ़ी साफ हो जाता है बढ़िया, और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, और फ्रूट्स वगैरह, कोकोनट वाटर वगैरह, बहुत कुछ। तो ये सब करने के बाद फिर मेरी डाइट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए, फिर मेरी बॉडी में चेंजेस आना चालू हुए, और अब करीबन करीबन 1 महीने बाद जाके थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, और अब मैं काफ़ी अच्छे से जिम कर पा रहा हूँ। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ, अभी 1 या 2 महीने बाद एक बहुत तगड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो ऐसे रोज़ व्लॉग देखते रहो, और आपको पता लगेगा बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो ये थी मेरी डेंगू की कहानी। तो प्लीज़ गाइज, ठंड का मौसम है, बाहर अगर जाओ तो फुल कपड़े पहन के जाओ, ये नहीं बॉडी बन रही है तो हवा वाली, मैं नहीं बताता हूँ, मतलब मेरी बॉडी बहुत अच्छे पीक पॉइंट पे पहुँच गई थी, फिर मैं हवाबाजी में था बहुत ज्यादा, मैंने कहा कौन कपड़े पहने, हम तो बॉडी दिखाएंगे ये करेंगे, तो आप ये चीजें बिल्कुल मत करना, और फुल कपड़े पहन के बाहर जाओ अपना, बढ़िया अपनी बॉडी को कवर रखो, क्योंकि हवाबाजी करना, लोग आजकल तुमसे बहुत जलते हैं, लोगों की नजरें बहुत गंदी होती हैं, लोग नजर लगा देते हैं बहुत, तो बहुत बेकार है ऐसी चीजें। तो अपनी बॉडी को कवर रखो, अच्छे से मेंटेन रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और बाहर घूमो बढ़िया तरीके से। तो गाइज, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग इसके 1 या 2 दिन बाद आ जाएगा। सो स्टे ट्यून, प्यार सपोर्ट बनाए रखो, ये साइड में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसे फॉलो जरूर कर लेना। लव यू ऑल।